वासियों को मेरी नमस्कार। भाजपा नेताओं सहित कुछ तथा कथित भाजपा समर्थकों द्वारा बेवजह ही अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हुए आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है, जो निराधार गलत है। इस संबंध में कस्बे वासियों का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। 6 कमरों का निर्माण एवं वातानुकूलित सुलभ शौचालय का निर्माण किया गया था, वह भाजपा पालिका अध्यक्ष के कार्यकाल में ही किया गया था, लेकिन जरूरत के अनुसार इंटरलॉक टाइल लगाई गई थी और मीटिंग हॉल का निर्माण किया जा रहा है, जो अभी भी नगर पालिका कार्यालय के पुराने भवन में आवश्यकता है, जिससे नगर पालिका मंडल की बैठक संपन्न हो सके। सफाई शाखा, पेंशन शाखा, रैन बसेरा कार्यालय में संचालित किया जाएगा। अस्थायी रूप से नगर पालिका कार्यालय को फायर सेंटर में शिफ्ट किया गया है। अगर कहीं कोई विकास किया जाता है तो भाजपा को वह पैसे की बर्बादी नजर आती है। इसका मतलब कस्बे में कोई विकास ही नहीं करे क्या? भाजपा के लोगों को पालिका का भवन जर्जर और क्षतिग्रस्त हालत में नहीं दिख रहा? जनता को गुमराह करना बंद करो। जनता अब जान चुकी है भाजपा के लोग विकास को अवरुद्ध करना चाहते हैं। रही धार्मिक भावनाओं की बात, तो धार्मिक कार्यों में पालिका द्वारा कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। तीर्थराज विमल कुंड में जल भराव के साथ साथ अन्य धार्मिक कुंडों में भी जल भराव का कार्य कराया गया है। लाइट व्यवस्था भी कराई गई है और लगातार धार्मिक कार्यों में पालिका मंडल मंत्री महोदय के निर्देश से कार्य कर रहा है। सभी को मेरी नमस्कार।